Hello my dear students, in this video I am going to discuss extracts of the chapter Glimpses of India. First story, A Baker from Goa. You must pay attention on extract. We did not even care to brush our teeth. हम लोग ब्रश भी नहीं किया करते थे. नरेटर कह रहा है, खुद को और साथियों को बता रहा है अपने बचपन में. डबल रोटी खाने से पहले ब्रश भी नहीं करते थे और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, ना अपना मुंह धोते थे ढंग से. एंड वाई शुड भी ऐसा करते भी क्यों. हु वुड टेक अ ट्रिबल ऑफ प्लकिंग मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. इतनी कौन जहमत उठाता, परेशानी उठाता कि टूथब्रश बनाने के लिए मैंगो की पत्ती को तोड़ता. और वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ज़रूरी भी क्यों था ये. द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ. टाइगर कभी जो है दांत नहीं मांजते. हु इज द स्पीकर हेयर. नरेटर, बेकर, ब्लेजर, सर्वेंट. तो द नरेटर इज द स्पीकर हेयर. दिस द आंसर. द नरेटर इज स्पीकर हेयर. द नरेटर इज द स्पीकर हेयर. नेक्स्ट, वेयर डिड द स्पीकर लिव इन द चाइल्डहुड डेज. कहाँ रहता था जब बचपन में वो अपने. पणजी, बॉम्बे, दिल्ली, गोवा. कहाँ रहता था. गोवा. दिस द राइट आंसर. ही लिव्ड इन गोवा इन चाइल्डहुड. द स्पीकर यूज फॉर इज टूथब्रश. किसका यूज किया टूथब्रश के लिए. काय की लीफ थी. मैंगो लीफ का यूज करता था. मैंगो लीफ. द फ्रेज एट ऑल हेयर मीन्स इन एनी डिग्री, किसी भी कॉस्ट पर. ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाय. उन दिनों जो बेकर होते थे या ब्रेड सेल जो बेचते थे, वो एक विशेष ड्रेस पहनते थे, अजीब सी ड्रेस पहनते थे. पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाय, जिसको कबाय बोलते थे. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ए सिंगल पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो नीचे घुटनों तक जाती थी, घुटनों से भी नीचे. इन अवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स बियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स. अपने बचपन में हमने देखा है बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहने हुए. विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, लॉन्गर देन हाफ पैंट. हाफ पैंट से लंबी होती थी, फुल लेंथ पैंट से थोड़ी छोटी होती, घुटनों के नीचे तक होती थी कबाई. इवन टूडे एनी वन हु बियर्स अ हाफ पैंट. आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहन लेता है विच रीच इज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से नीचे तक पहुंचता हो. इन वाच द कमेंट, लोग कमेंट करने लगते हैं दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर. देखो पैडर जैसी ड्रेस पहने, कपड़े पहने. वाई वाज द पिकुलियर ड्रेस ऑफ द, व्हाट वाज द पिकुलियर ड्रेस ऑफ द बेकर. क्या पहनते थे. अ डबल पीस फ्रॉक. नो. द कबाई. मल्टीपल ड्रेस. सिंपल ड्रेस. तो दिस द आंसर. द कबाई ये पहनते थे, कबाई जिसको बोलते थे. वाट डिड द लोकल पीपल कॉल द बेकर. लोकल पीपल क्या कहते थे बेकर को. बिलेजर, सर्वेंट, फार्मर या पैडर. तो दिस इज द आंसर. दे यूज टू कॉल देम पैडर. ओके, द शर्ट्स एंड ट्राउजर्स बॉर्न बाय द बेकर वर. तो शर्ट ट्राउजर्स पहनते थे वो कैसे होते थे. शॉर्टर देन फुल लेंथ. फुल लेंथ से छोटे, थोड़ा सा. फ्रेज नॉन एज एयर मीन्स फेमस एज. नॉन एज मीन्स फेमस एज. द बेकर यूजली कलेक्टेड इज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. महीने के अंत में बिल इकट्ठा करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम बॉल इन पेंसिल. पेंसिल से दीवार पर लिख दिया जाता था मंथली अकाउंट. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज.
पुराने दिनों में डबल रोटी एक प्रोफेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल था, लाभ बेनिफिशियल था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, कभी भूखों नहीं मरते थे। ही वे खुद हिज फैमिली, उसका परिवार, हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, हमेशा हैप्पी और प्रॉस्पेरस दिखाई देते थे, एकदम संपन्न। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, लंबी चौड़ी फिजिक, व्यक्तित्व जो उनका होता था डील डॉल, वो बताता था ये बहुत खाते पीते घर के। इवन टुडे एनी पर्सन, आज भी अगर कोई पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस अगर मिल जाता है इजिली कंपेयर टू ए बेकर, तो लोग उसकी बेकर से तुलना करने लगते कि ये तो बेकर जैसा है, इतना लंबा चौड़ा एकदम। Why did the baker often come to the village? क्यों आते थे गाँव बेकर्स? To sell bread, to sell tea, to sell coffee, to sell dresses. क्या बेचने आते थे? They used to come to the village to sell breads. Bread बेचने आते थे बेकर और पेडर। What helped the narrator remember the baker? किस बात से याद है बेकर की उसको? His plump physique, उसकी जो डील डॉल होता था उससे उसको याद है कि ऐसे होती थी। द अकाउंट्स ऑफ ब्रेड वर रिकॉर्डेड, कहाँ लिखा जाता था? ऑन द वॉल, वॉल पे लिख दिया जाता था। फ्रेज यूज टू मीन्स जनरली, ओके। नेक्स्ट कूर्ग, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी चैप्टर। मिड डे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक पीस, स्वर्ग का पीस जैसा दिखाई देता था, जो भगवान की राजधानी लगती है, इतना सुंदर वो जगह है कूर्ग। This land of rolling hills invited a proud race of martial men. ये जो आपका ये जमीन है जो कूर्ग है जो उसकी ज़मीन, inhabited by a proud race martial men, बहुत महान लोग पाए जाते हैं यहाँ पर, beautiful women, सुंदर women, सुंदर औरतें, and wild creatures, जंगली जानवर प्राणी कूर्ग में। कूर्ग और कोडागु दोनों एक ही नाम है, एक ही जगह के, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, सब छोटा, इज द होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशन, वर्षावन मसाले और कॉफ़ी के प्लांटेशन की जगह है ये कूर्ग, ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर। वाट इज कूर्ग नोन एज फॉर, किसके लिए जाना जाता है? रोलिंग हिल्स, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, लैंड ऑफ स्टीम, द माउंटेन, ये होगा द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, बी इज द आंसर, द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स जो है उसका जमीन इसको माना जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज कूर्ग लोकेटेड, कहाँ है कूर्ग? इन मैसूर, इन मैंगलोर, इन कर्नाटका, इन केरला, कहाँ पर है ये? तो कर्नाटक में है ये, दिस द आंसर, इन कर्नाटका, कूर्ग लोकेटेड इन कर्नाटका। कूर्ग एड्रेस्ड एज, क्या कहा जाता है उसको? अ पीस ऑफ हेवन, एड्रेस्ड एज अ पीस ऑफ हेवन। द फ्रेज इनहेबिटेड हेयर मीन्स, क्या मतलब इसका? फ्रेज रिसाइड बाय, जहाँ रहते हैं लोग, ठीक है, रिसाइडेड बाय,
ओके सो हैव अ लुक ऑन ऑल द एक्सट्रैक्ट्स आई डिक्टेटेड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यू शुड गो थ्रू ऑल द एक्सट्रैक्ट्स आई एक्सप्लेन्ड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर दे वेयर दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विच चैप्टर इट्स मीनिंग एट्सेट्रा। ध्यान से देखें आप इसको। Have a keen look on it. You are supposed to note these extract down in your notebook, English notebook. After completing them, you are supposed to take its picture and send it that to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work whether you have completed in proper way or not. ठीक है, this is your homework, this is your home assignment. Okay, thank you. Have a nice day. God bless you.